गाइस वेलकम बैक टू पूर्णश्रीज। और आज है 11th of August 2021 और अभी मैं ऑफिस से आई हूँ और श्रियांश मेरे पास है। आओ, काफ़ी खुश है। और आज मैं चाट का रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और चाट वैसे तो घर की जो बची खुची चीज़ें हैं उसी से मैंने बनाया है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाद में मैं फिर से मिलूँगी। तो गाइस, यहाँ पे चाट बनाने के लिए सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे है घुगनी, मतलब जो मटर की सब्ज़ी होती है आलू के बिना, वही तो ले लिया है। और कचौड़िया ले लिया है जो कि लेफ्टओवर है, मतलब घर पे लाया गया था तो बच गया था बहुत सारा। तो ये दाल वाली कचौड़ी है, तो इस दाल वाली कचौड़ी को अच्छे से ऐसे तोड़ के मैं डाल रही हूँ बोल में। और आप चाहे तो समोसा भी ले सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी वो ले लो। और इसको ऐसे तोड़ के मैं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 या 4 कचौड़ियाँ ऐसे तोड़ के डाला है। अभी मैं यहाँ पे जो घुगनी है, मतलब मटर की सब्ज़ी, वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे सिंपल मटर को मैंने गर्म पानी से 3-4 घंटे भिगो के रख दिया था। और उसके बाद नॉर्मली प्रेशर कुकर में नमक डाल के सीटी मार दिया था 4 से 5, और थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। तो उसके बाद तड़के में नॉर्मली प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, टमाटर डाल के एक तड़का बना लिया था। और मैगी मसाला है मैजिक ऐड किया था, और नॉर्मली जो होता है हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, वो डाल के और एक सीटी दे दिया था, तो बन गया था घुगनी। और यहाँ पे मैंने वही कचौड़ी के ऊपर घुगनी डाल के ऊपर से दे दिया है टोमेटो सॉस या फिर टोमेटो केचप, मैगी का। और उसके बाद ऊपर से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे प्याज और धनिया पत्ता, कुछ बूंदे नींबू के रस का, तो यहाँ पे निचोड़ रही हूँ। आप लोगों के पास अगर नींबू के पत्ते अवेलेबल है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एरोमा मिलता है। और यहाँ पे फ्राइड मूँगफलियाँ यानी कि पीनट्स डाल दिया है, और मुझे पीनट्स बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं भुजिया, कोई भी भुजिया डाल सकते हो, मेरे घर पे लोकल वाला है, अभी मैं ख़रीद के लेके आई हूँ तो वही मैंने डाल दिया है। तो मुझे भुजिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे चाट में, तो मैं कुछ ज़्यादा डाल रही हूँ। और आप लोग के पास अगर हल्दीराम का वो नॉर्मली नमकीन वाला भुजिया है वो भी डाल सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और ऊपर से मैं अभी डालूँगी मैगी मसाला है मैजिक, जो कि मेरा हर टाइम का फेवरेट है। तो मैगी मसाला ही मैजिक डालने से और दूसरा कोई मसाला देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, थोड़ा सा बचा भी लिया है, बाद में अप्लाई करूँगी फिर से। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा 10 रुपीज़ का रेड चिली सॉस लाई थी आते वक्त मतलब ऑफिस से, तो वो डाल दिया है। बहुत ही अच्छा यामी सा टेस्ट हुआ है इसका, और तीखा भी है, अलग से मिर्ची वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डाल दिया है काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट। और अभी मैं डालूँगी ऊपर से ये मसाला जो मिक्स्ड स्पाइस से बना है, मतलब जीरा पाउडर और जीरा और धनिया को एक साथ ड्राई रोस्ट करके मैंने ब्लेंड कर लिया था, और अभी इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और मेरे घर पे वो ककड़ी, मतलब तो वो भी डाल सकते हो अगर ये सब घर पे अवेलेबल था। तो मैं यहाँ पे दीदी के लिए परोस रही हूँ। और ये ब्लैक वाला जो कटोरी आप लोग देख रहे हो, ये हीट मतलब सहन कर सकता है, क्योंकि ये होम डिलीवरी से मिला है, मतलब होम डिलीवरी पे घर पे जो खाना आता है तो उसी से उसी का बॉक्स है, तो डरने की कोई बात नहीं। ये प्लास्टिक है पर नॉर्मली हीट प्रूफ प्लास्टिक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और रेड चिली सॉस, मूँगफलियाँ, और थोड़ा सा ये भुजिया और टमाटर का सॉस, मतलब टोमेटो केचप, ये सब डाल के फिर से वही मसाला, वही नमक डाल के मैं सर्व कर रही हूँ दीदी को। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था। और शाम के वक्त
स्नैक्स के लिए एकदम परफेक्ट, और ये बहुत ही फीलिंग होता है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ऑप्शन नहीं है, हेल्दी ही है। नॉर्मली जो कचौरी है वो थोड़ा सा ऑयल में फ्राई किया हुआ है, तो इसको छोड़ के बाकी सब ही नॉर्मली हेल्दी ही है। तो ये आप एंजॉय कर सकते हो घर पे, और एंजॉय करके बना के खिला के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कि कल। तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहना, अच्छे से रहना, बाहर जाए तो मास्क ज़रूर पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। आज के लिए बस इतना ही, बाय, स्टे हैप्पी।